क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और का जदयू का मतलब कि जदयू का गठबंधन जो है देश में जो भी गठबंधन है उसमें एक लंबा समय आपको 1996 से जो है लगातार गठबंधन है जी बीजेपी के साथ, बीच में जो 2-3 साल अगर छोड़ दिया जाए, 2 बार छोड़ दिया जाए, तो इतना लंबा गठबंधन कि देश में किसी के साथ नहीं। उनके लड़के से जो नौकरी जो दिया गया, नौकरी दिए तो उसके बदले में जो है तेजस्वी और तेज प्रताप के जो नाबालिग उस समय थे वो जमीन लिखवाए अपने भतीजा से। जी, जी। अब आप सोच लीजिए कि ये क्या स्थिति है इन लोगों का, इनका सोच के किस तरह का है, इवेंट मैनेजमेंट है। जी, और जी। वो जो जिस तरह से खर्च कर रहे हैं, आज बताइए गरीबी की बात करते हैं, आज वो दल बदलू को बात करते हैं, ये बताइए उस सब में दल बदलू का नेता गिन गिन के, ये देखिए ये बीजेपी में रहे हैं, जदयू में रहे हैं, आरजेडी में, प्रशांत किशोर जी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। फिर से वो अपना जो है जो इवेंट मैनेजमेंट करते थे टेंट और बैनर वही वो लगाएंगे, वो वही वो नीतीश कुमार जी को वही बना दिए और पूरा बीजेपी को वही खड़ा कर दिए, उसके बाद तो कोई जीते नहीं मोदी जी। तेजस्वी यादव भी घेर रहे हैं और इसके साथ साथ जांच एजेंसियां भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। देखिए नीतीश कुमार जी के जो बारे में जो अभी जो विपक्ष कर रहे हैं, खासकर तेजस्वी यादव जी जो आंकड़ा जारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को ये भी आंकड़ा जारी करना चाहिए कि जो भी अपराध हो रहा है, जो भी घटना घटा, वो कितने दिन में सॉल्व हो जा रहा है, कितने समय में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, वादे के मुताबिक एक बार फिर से हाजिर हैं हम और हमारे बगल में राजेश जी हैं। राजेश जी से जब पिछली मुलाकात हमारी हुई थी तो हमने बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारी बातें जो इन्होंने बताई थी, इंटरनल बातें जो इन्होंने बताई थी अपने पार्टी को लेकर के और अपने पार्टी के आइडियोलॉजी को लेकर के, जिस तरह से इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया था और पार्टी को डिफेंड किया था, वो सारी बातें लगभग ठीक ठाक रही। अब जो स्थिति है कि और कई बातें निकल करके सामने आई, इस बीच में आपने कई सवाल भी पूछे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में, नीतीश बाबू कौन सा ऐसा कार्यक्रम करने वाले हैं, कौन सी ऐसी रणनीति बनाने वाले हैं, नीतीश बाबू आखिर चुप क्यों हैं, ये सारी बातें और इन सारी बातों का जवाब हम आज लेने के लिए राजेश जी के साथ बैठे हैं। इन जवाब में और इन सवालों में हम कोशिश करेंगे कि वो सारी बातें जो आपकी जिज्ञासा है उसे दूर कर दें। क्या 2025 के चुनाव तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे, सवाल ये बड़ा है। और इस सवाल के साथ एक सवाल और जुड़ा हुआ है जो बोनस में आपको हम दे रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से भतीजा को अपने साथ लाएंगे। इन सारे सवालों का जवाब हम नहीं बल्कि आप जनता जनार्दन और मीडिया जगत से लेकर के राजनीतिक गलियारे में जबरदस्त ढंग से उठ रहा है। राजेश जी अपनी पार्टी के साथ साथ बहुत ज़्यादा लिखते पढ़ते भी हैं और जानकारियाँ इकट्ठा करके रखते हैं, इसलिए इनसे बात करने में बहुत सारी बातें साफ साफ पता चलती है। राजेश जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप नीतीश कुमार जी 2025 तक, ये जिज्ञासा है, एक सवाल है कि 25 तक एनडीए में ही रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव के साथ फिर से जाएंगे? देखिए अब जो समय है, समय के अनुसार से ये सवाल जो है अपने आप में जो है सार्थकता खत्म कर चुका है जी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और का जदयू का मतलब कि जदयू का गठबंधन जो है देश में जो भी गठबंधन है उसमें एक लंबा समय आपको 1996 से जो है लगातार गठबंधन है जी बीजेपी के साथ, बीच में जो 2-3 साल अगर छोड़ दिया जाए, 2 बार छोड़ दिया जाए, तो इतना लंबा गठबंधन कि देश में किसी के साथ नहीं है। आज जो है जो पुराने गठबंधन हम लोग के साथ थे एनडीए में जो थे अकाली दल या और आपका बहुत सारे दल टीडीपी वगैरह जितने लोग थे चुका सब जी। लेकिन हम लोग रहे हैं, किस कारण बस क्या स्थिति हुआ वो बात की बात है, लेकिन आज की स्थिति में हम लोग साथ में हैं और 2025 में जी। हम लोग निश्चित रूप से जिस तरह का परिस्थिति आप लोकसभा का चुनाव देख ही लिए, 2025 में हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ और या आप ये कह सकते हैं 200 से ऊपर हम लोग जो है सीट जीतेंगे बिहार में निश्चित रूप से। 2024 के चुनाव में अगर देखा जाए तो आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा, 16 सीट में से 12 सीट आप जीत कर आए, 72 विधानसभाओं में आप सबसे ऊपर हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके आती है। भारतीय जनता पार्टी भी ये मानती है कि हाँ आपके कारण उनकी सीटें जो है बढ़ी हैं या जो एनडीए है वो 30 सीट जीत करके आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक सवाल जो मीडिया जगत में राजनीतिक गलियारे में चल रही है कि क्या नीतीश कुमार जी जिस तरह से बात करते हैं कि बिहार हित में उनको फैसला लेना पड़ा, अचानक से उनको फैसला लेना पड़ा और बिहार हित में, पार्टी हित में, बिहार के लोगों के हित में उन्होंने एक फैसला लिया, तो क्या इस तरह का फैसला 2025 के चुनाव से पहले लिया जा सकता है? फैसला देखिए हम लोग जो
आज बीजेपी के साथ है, आगे भी बीजेपी के साथ में रहेंगे। हम लोग का कोलैबोरेशन बहुत पुराना है और चल रहा है। देखिए, हम लोग ने जिस तरह से विपक्ष को और खासकर तेजस्वी यादव को जो मौका दिए, वो मौका पर वो खरा नहीं उतरे, और खरा न उतरने का कारण स्थिति ये रहा कि वे जो एक बार कहा जाता है लत लग जाता है, वो सुधरने वाला नहीं है। वो आज जो भ्रष्टाचार उनके नस नस में समाया हुआ है, जो आज उनकी स्थिति ये है कि वो जमीन के लेकर के इस तरह से नौकरी को आज देखिए आज हुआ जी, जी, जी। तो ये उनमें समाया हुआ, यहाँ तक सोच लीजिए कि किस स्थिति में है कि जो लालू प्रसाद यादव जी का जो बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू यादव जी थे, उनके लड़के से नौकरी जो दिया गया, नौकरी दिए तो उसके बदले में जो है तेजस्वी और तेज प्रताप के जो नाबालिग उस समय थे, वो जमीन लिखवाए अपने भतीजा से। जी, जी। अब आप सोच लीजिए कि ये क्या स्थिति है इन लोगों का, इनका सोच के किस तरह का है। ऐसा कोई जो मुख्यमंत्री रहते हुए ये सब कोई काम नहीं कर सकता है, इतना सक्षम होने के बाद भी। ये वही बात है, आज जिस तरह का परिस्थिति बना हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से 2005 से पहले का जो बिहार का स्थिति था, आज अपने सीमित साधन के बदौलत जो बिहार का विकसित श्रेणी के कैटेगरी में लाना शुरू कर दिए हैं, वो ये देख करके इन लोगों का खराब। और जहाँ तेजस्वी यादव को बिहार की जनता जान चुकी है, और वो आप जैसे अब निकाल रहे हैं अपना यात्रा जी। बहुत सारे जन संभावना यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, लेकिन अब जो ये यात्रा निकाल रहे हैं ये राजद बचाओ यात्रा है, और राजद का बचाओ यात्रा का मतलब ये अंतिम यात्रा है, क्योंकि 2025 में उनका स्थिति 2010 का जो रिजल्ट था उससे भी बुरी तरह से होने वाला है। दरवाजा खिड़की सब आप लोगों ने बंद कर दिया है, खिड़की बंद करने का। अब उनके पास जो राजद के पास कुछ बचा ही नहीं है, माई समीकरण अब खत्म हो चुका है, जो लालू यादव का करिश्मा खत्म हो चुका है, और तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ जो है अब एक विरासत के नाम पर ढोए जा रहे हैं, बाकी उनके पास कोई जनाधार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर को आप ही लोग ललकार रहे हैं क्या? प्रशांत किशोर देखिए कोई मायने नहीं, नहीं आपके साथ वो लंबे समय तक रहे भी हैं, लंबे हमारे साथ क्यों, जो हमारे पार्टी में रहे हैं जी। और क्या रहे हैं, रहे उनको जब उनका गतिविधि देखा गया तो उनको निकाल दिया गया, अब वो अपना लगा रहे। वो राजद का जिस तरह से राजद अगर वैसा नहीं है तो राजद क्यों लेटर निकाल रही है जी, क्योंकि राजद ये समझे कि प्रशांत किशोर डैमेज बीजेपी और जदयू को करेंगे, लेकिन राजद को भाजपा से प्रशांत किशोर साबित हुए, उन्हीं को जो है डैमेज शुरू कर दिए, तो स्थिति वो निकाल रही है। हम लोग का जो कार्यकर्ता है बिहार के विकास में, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योगदान है, और बिहार का बच्चा बच्चा जान रहा है कि नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में बिहार को जो है मान और सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। प्रशांत किशोर की बात है, प्रशांत किशोर देखिए वो इवेंट मैनेजमेंट है, और वो जो जिस तरह से खर्च कर रहे हैं, आज बताइए गरीबी की बात करते हैं, आज वो दल बदलू को बात करते हैं जी। ये बताइए उस सब में दल बदलू का नेता गिन गिन के, ये देखिए बीजेपी में रहे हैं, जदयू में रहे हैं, आरजेडी में है, ये बताइए मतलब अपना ग्राफ बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप अभी देखिए उनको कोई नहीं पूछ रहा है, अभी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं करे। मुनारजी हसन जी शामिल हुए हैं जी, आप अनुभवी पत्रकार, आप बताइए मुनारजी हसन किस किस दल में रहे हैं? खैर तो हाशिए पर थे उनको एक निश्चित रूप से वो लिए ना। हमारे संपादक नमन जी कहते भी हैं कि जितने दिल जले हैं, जिन लोगों को जगह नहीं मिल रहा है सारे लोग वहाँ उनके लिए स्टॉपेज हो गया है। आप कह रहे हैं उसके बाद आप परिवार, आप तो सबसे बड़ा है, आप जो है सर जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का पोती को जी, वो क्या है निश्चित, वो कौन समाज सेवा क्या है, वो सिर्फ परिवारवाद ही दिखा रहे हैं जी, आप वही तो कर रहे हैं, आप तो खुद उस तरह का काम कर रहे हैं, तो पोस्टर बना रहे हैं सिर्फ वो इवेंट हो है, जितना गाड़ी आपका दौड़ रहा है, ये बताइए वो गाड़ी जो दौड़ रहा है स्कॉर्पियो बोलेरो हर प्रखंड में जी दिए किस आधार पर दिए हुए हैं, कहाँ से पैसा आता है? बिहार बदलना चाहते हैं, वही बिहार बदलना चाहे, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिहार से वो पैसा कमाना चाह रहे हैं, बाकी सब जगह उनका मार्केट बंद हो चुका है, लेकिन बिहार की जनता जान रही है कि वो काट के हानि है, और वो अरविंद केजरीवाल बनना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से किया था, लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो राजनीतिक अस्तित्व है तो उनका तो है, कह नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे जी, जो भी वो कह रहे हैं पलायन को, आप बताइए पर डे जितना उनका हाईटेक इवेंट होता है, जिस जिला में जा रहा है सबसे वीआईपी, रोजगार तो देवे ना किया युवाओं को, एकदम रोजगार दिए, पलायन तो रोक भी नहीं कर रहे हैं, एकदम पलायन रोक रहे हैं, क्योंकि वो अपना पलायन रुकवा रहे हैं, उनका पलायन वो चाह रहे हैं कि जगह जगह जो पलायन हम कर रहे हैं वो एक जगह रहे,
लेकिन इस बार आप देख लीजिएगा, कितना भी कर लें उनका कहीं कोई स्थान नहीं रहेगा। पैसा के बल पर जो राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति कर ले। प्रशांत किशोर जी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। फिर से वो अपना जो है जो इवेंट मैनेजमेंट करते थे टेंट और बैनर, वही वो लगाएंगे। वही वो नीतीश कुमार जी को वही बना दिए और पूरा बीजेपी को वही खड़ा कर दिए। उसके बाद तो कोई जीते नहीं मोदी जी, उसके बाद नीतीश कुमार जी जीते नहीं है। कहते तो यही बात है कि रास्ता तो हम ही दिखाए हैं। एकदम है, वो तो कहबे करेंगे। अगर कहेगा, अगर वही करेगा ना, जिस गाड़ी में अगर दूल्हा दुल्हन का शादी होगा तो कहे कि हम ही नहीं लाए हैं ले गए, बोलने हम नहीं रहते तो शादी नहीं होता। चलिए प्रशांत किशोर के एपिसोड से हम लोग बाहर निकलते हैं। आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बहुत सारी संभावनाएं हैं, आने वाले समय में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर के लोग चिंतित हैं। हम जानना चाहेंगे और भारत लाइव के दर्शक के साथ साथ बिहार के लोग भी जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, इलाज के लिए जा रहे हैं, इस कितना सत्य है? और उनके इलाज में आप जो लौट करके आए थे उसमें कितना सुधार आपको नजर आ रहा है, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? शरीर है, शरीर में 10 तरह का होता है, वो समय के अनुसार से कोई भी बीमारी हो सकता है, कोई भी कुछ हो सकता है। नीतीश कुमार जी का जो भी स्वास्थ्य दिख रहे हैं, आप स्वास्थ्य अच्छा होता है। आप जिनको आप स्वास्थ्य के बात करते हैं तो देखते हैं कि ऐसा होता है कि व्हील चेयर पर से एयरपोर्ट से लेकर के व्हील चेयर पर जो अपने आप को युवा तुर्क समझते हैं वो व्हील चेयर पर चलने लगते हैं। नहीं, बीमारी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग बताता है क्यों कहते हैं उम्र हो गया, उम्र उनका कौन उम्र हो गया जो व्हील चेयर पर चलने लगते हैं, माइक से प्रचार करने लगते हैं। तो स्थिति ये हो गया है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, समय का होने दीजिए, सबका समय के अनुसार से सब ठीक हो जाए। नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जा रहे हैं, क्या बिहार में मंत्रिमंडल और अन्य चीजों की जो बातें चल रही है उसमें सुधार होना है, मंत्रिमंडल में बदलाव होना है, क्या उप मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या फिर आपके तरफ से यानी जदयू की तरफ से कोई किसी को कार्यभार दिया जाएगा नीतीश कुमार जी के एब्सेंटी में? ऐसा कोई अभी कोई इस तरह का तो कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, इस तरह का कोई चर्चा नहीं है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तो जहाँ तक फिलहाल इस तरह का कोई चर्चा नहीं है। रजेश जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए तब से लेकर के अब तक एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त है कि नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी उन्होंने अपने आइडियोलॉजी, अपने सिद्धांत पर काम किया है। जब बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को कॉम्युनल पार्टी कहा जाता था, उस समय भी नीतीश कुमार बेदाग बच के काजल की कोठरी से बाहर निकल के आए हैं। अब नीतीश कुमार जी पर ये आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचार भी उनके शासन में हो रहा है, उनके पीठ पीछे सब कुछ हो रहा है, अपराध उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है, और जहाँ तक कम्युनिज्म की बात है उस पर अंकुश तो निश्चित रूप से लगा है। लेकिन दो ऐसे कारण हैं जिस पर नीतीश कुमार जी घिर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी घेर रहे हैं और इसके साथ साथ जांच एजेंसियां भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। देखिए नीतीश कुमार जी के जो बारे में जो अभी जो विपक्ष कर रहे हैं, खासकर तेजस्वी यादव जी जो आंकड़ा जारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को ये भी आंकड़ा जारी करना चाहिए कि जो भी अपराध हो रहा है, जो भी घटना घटा वो कितने दिन में सॉल्व हो जा रहा है, कितने समय में। मुकेश सहनी जी के पिताजी का आप देखेंगे किस तरह से हाय तोबा मचाया गया और क्या स्थिति निकला। आज ही देखिए गोपालगंज में एक घटना घटा, चॉकलेट के लिए एक दूसरे का मर्डर हो गया है, तो क्या उसको आप मर्डर में? पहले 2005 में और 2005 के पहले और अभी में बहुत जमीन आसो, पहले जो होता था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, मुख्यमंत्री आवास से क्राइम किया कराया जाता था, गाड़ी उठाया जा लिया जाता था शोरूम से, और पूरे बिहार भर का जो माहौल होता था आप जो न बातें न संहार देख रही है और सब जगह बिजनेसमैन भाग जाते थे, तो ये क्राइम ऑर्गेनाइज्ड होता था। आज के डेट में व्यक्तिगत रूप से कहीं छुटपुट टाइप का हो जा रहा है तो उस पर भी पुलिस एक्शन ले रही है जिसको आप कोशिश हम लोग करते हैं कि वो भी ना हो, लेकिन जैसे आप बताए चॉकलेट के लिए आपस में कोई बात को लेकर के हो जा रहा है, खींचा कर, वो कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से हो जा रहा है, उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन आप अब तेजस्वी यादव अपने समय का अगर गिना रहे हैं, अपने स्थिति को बता दीजिए, वो 17 महीना थे सरकार में तो क्या कर लिए थे जी? सरकार टोटल देखिए नीतीश कुमार जी ये सबसे कोई आप लोग तो आंकड़ा ये भी जोड़वाते हैं कि 17 महीना उस साथ में थे तो अपराध बढ़ गए थे। किसका? बिहार का अपराध का ग्राफ बढ़ा था जब वो आपके साथ थे तो उनका क्या वो तो आज हट गए थे, देख लीजिए क्या स्थिति है, क्योंकि वो जिस तरह से क्राइम को सपोर्ट करते हैं पूरे माफियाओं का, मतलब अपनी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आपको तेजस्वी यादव के माथे पर मारते हैं। नाकामी है, कोई नाकामी है हम लोग का? अब कैसे नाकाम, अब कैसे नाकामी होगा? रोज आपके यहाँ जो लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव और आप लोग 2005 की चर्चा कर रहे हैं। हम अभी जो जारी कर रहे हैं कोई बता दीजिए जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो,
सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, बहुत बड़ा माफिया रैकेट माफिया हो जो जो इन्वॉल्वमेंट हो बता दीजिए। अब छिटपुट टाइप का हो रहा है उसको भी सरकार रोक रही है, लेकिन अगर ये कह कौन रहा है जो पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक जो है पूरा जो अपराध में डूबा हुआ वो अगर हम पर कह रहा है वो इस पर हमको संजीव हंस किसके अधिकारी थे? संजीव हंस को अगर अधिकारी हमारे थे, संजीव हंस को अगर जो उस क्राइम को करा तो संजीव हंस को इस पर छापा कौन मारा जी? छापा कौन मारा? ये मारवाए हैं, ये जाकर गुप्त जानकारी दे रहे हैं। अगर वो गलत किए हुए हैं तो अगर हमको लगा गलत है सब कुछ है तो हम लोग इसका मतलब कि हम सरकार का जो जांच एजेंसी है उसको फ्री छोड़े हुए हैं। अगर हमारे जो भी नज़दीकी भी हो अगर वो गलत कर रहा है तो उस पर जांच कीजिए। तो ये तो सरकार का और ये नीतीश कुमार जी का और एनडीए सरकार का जो प्रशंसा करने वाली बात है कि उन्होंने ऐसा किया, इनके तरह से हम बचाते नहीं ना हैं, अपने मुख्यमंत्री आवास में नहीं छिपा लेंगे। जो गलत है वो गलत है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, अभी दो मुद्दे जो हैं वो काफ़ी हॉट हैं। एक मुद्दा है जिसमें आपने देखा होगा कि जो आरक्षण के भीतर आरक्षण वाला है वो काफ़ी गर्म हो गया है, इसको लेकर के आपकी पार्टी क्या सोचती है, आप क्या देखते हैं? अभी हमारे पार्टी का ऐसा कुछ निर्णय नहीं हुआ है, जहाँ तक ये माननीय उच्च सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ठीक है, इस पर जब आगे एनडीए के घटक दल जो भी हैं सब मिल करके बैठ कर डिसीजन लेंगे कि क्या होगा, तो इस पर अभी कुछ उसके बारे में कहना उचित नहीं होगा। वक्फ बोर्ड वाले में आपका क्या स्टैंड है? देखिए वक्फ बोर्ड में तो अभी आने दीजिए, तो अभी सरकार जो है बजट रहती संसद में पेश करे जी, क्या सरकार का मंशा है क्या है उसके बाद उस पर बोला जाएगा। लेकिन जो भी हमको आशा है कि माननीय हम लोग का जो एनडीए गठबंधन है जो भी निर्णय लेगा वो देश हित में होगा। मुख्यमंत्री जब विदेश जाएंगे इलाज कराने के लिए तो उनके जगह पर कौन बिहार को संभालेगा? देखिए ये अभी कोई ऐसा कि इस तरह का नहीं है, ये बिहार कौन संभालेगा, मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी तो कहीं से भी संभालेंगे। अभी क्या निर्णय होना है क्या चीज है अभी इस पर कुछ नहीं कह रहे। कुछ नाम ऊपर में आ रहे थे कि ये चलाएंगे वो चलाएंगे, तो वो सब भ्रामक है। ये सब चीज़ देखिए अपना अपना उपज है, अपना अपना जो भी लोग चैनल का है अपना अपना उपज है, लेकिन अभी तक जहाँ तक हमको जानकारी है ऐसा कोई बात नहीं। चलिए राजेश जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप लोगों की जो जिज्ञासा थी वो जानने की मैंने कोशिश की राजेश जी से। खास करके और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई पार्टी सत्ता में हो और सत्ता के शीर्ष पर पार्टी के कोई नेता अगर बैठे हों तो जानना ये जरूरी हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। इस पूरी कहानी का नटसेल में यही है कि जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ हवा हवाई है, वास्तविकता से उसका कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है। नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी 2025 का चुनाव एनडीए के तहत ही लड़ेंगे, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है और मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर के जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं वो नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार है, जैसा कि राजेश जी ने बताया विशेषाधिकार है, वो कब क्या करेंगे ये कहना उनके बस में है। जैसे ही नोटिफिकेशन होगा हमें जानकारी मिल जाएगी। बाकी की चीज़ों पर इन्होंने कहा है कि आगे हम बात करेंगे, जैसे ही इस पर कुछ अपडेट आता है हम फिर इनसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, आशा करते हैं कि आपकी जिज्ञासा बहुत हद तक दूर हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।